मैम अभी बहुत सारी बातें चल रही है नीट के ऊपर, अभी सुनवाई चल रही है, बट इस बीच में एक दलील दी जा रही थी कि एनटीए ही जेई का भी पेपर कंडक्ट कराता है, जेई मेंस का, बट उसे ऑनलाइन लेता है और कई पीसेस वाइज लेता है और ईयर में भी कई बार लेता है, तो क्या इस तरीके से नीट का एग्ज़ाम होने के कारण क्या एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है? सर देखिए, पहली चीज़ तो जेई और नीट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जेई का जो स्टूडेंट है उसका लगभग लगभग डबल बच्चा नीट लिखता है. एग्जैक्टली. तो टेक्निकली ये थोड़ा सा उतना फिजिबल नहीं है अंटिल अनलेस अगर हम थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दें, बिकॉज उतने कंप्यूटर्स लेकर के आना, आप देखिए जेई की 11 लाख बच्चों के लिए भी हमें इतने मल्टीपल सेशन कराना पड़ते हैं. हाँ, 10 सेशन आप कराने लग रहे हो, तो आप देखिए 24 लाख बच्चों के लिए तो, और इनफैक्ट ये अगले साल बढ़ेगा नंबर, 26 के लगभग हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली आप देखिए इसको 10 कम से कम भी हम मान के चले रफली 20 से 25 मल्टीपल सेशन में आपको कराना पड़ेगा. एक एग्जाम में मैम जेई मेंस में जहां तक मुझे आईडिया है 88,000 के आसपास बच्चे देते हैं एक बार में. हाँ, तो आप देखिए कितने सारे मल्टीपल सेशंस लग जाएंगे बच्चों को. और प्लस दूसरी चीज़ सर एक ये भी है कि बच्चों से मैंने ये सवाल पूछा था लाइव क्लास में भी, बच्चे थोड़ा सा ना अभी घबराए हुए हैं कि हमें ना ऑनलाइन में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो कंप्यूटर के साथ में उतना एक्विंट हो पाना. नीट का बच्चा जो है वो ऐसा भी स्टूडेंट है जो बहुत ही गाँव देहात से एडमिशन लेना चाह रहा है, बहुत ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जिसके पास में एक्सेस नहीं है चीज़ों का, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उतनी अच्छी. बाकी तो एक फिजिबल सोल्यूशन है ये, अगर हम पेपर लीक की बात करें या इंटीग्रिटी मेंटेन करने की बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन. मैम आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कई सारे लोग गांव दूर दराज से हैं और उनको ये आइडिया नहीं है. यही होता है एक्चुअली, जब हम कई बार चीज़ों पर सोचते हैं तो हम सिर्फ अपने मुद्दों को तवज्जो देते हैं और दूसरे के मुद्दों को हम समझते ही नहीं है कि ये भी कोई किसी के लिए मुद्दा हो सकता है. तो जो टॉप सुप्रीम लोग हैं उनको हर की बातें सुननी पड़ती है, तो कई बार हमें लग रहा होता है किसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता. तो एक्चुअली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं लिया जा सकता, और शायद इससे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल का काम है. आई होप कुछ अच्छा अल्टरनेटिव निकले और इस ये यूथ है मैम, तो जो इनके साथ अच्छा होगा तो देश अपने आप अच्छा करे. बिल्कुल बिल्कुल. स्टे ट्यून्ड विद अस.